हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी नमकीन की नई डिज़ाइन की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है और ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में महीने भर के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया है 1 कप मैदा और इसमें हम 1 छोटी चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें नमक 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे और मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल है। इसे डाल के हम इसे अच्छे से मोयन लगा लेंगे। मोयन हमारा किसी भी चीज़ में अच्छे से लगे ना, तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो ये तेल डालने के बाद इसे मुट्ठी से मिक्स करते हुए ऐसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये मुट्ठी बांध के देखेंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगा। तो आप समझिए कि हमारा मोयन एकदम ठीक लगा है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त आटा गूँथ लेंगे। तो देखिए, ये आटा हमने गूँथ लिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, 5 मिनट के लिए अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे हाथ से मसल के इसकी लोई काट लेंगे। और फिर इधर देखिए, एक बड़ा सा हमने क्या किया है कि रोटी बना लिया है। और पिज्ज़ा कटर से हम इसकी बीच में कट लगाएंगे, इस तरह से सब साइड से कट लगाएंगे। तो ये हमारा कोन शेप में कट लगाएंगे, तो ये क्या होगा कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इससे बनती है। तो देखिए, ये हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेके बीच में इस तरीके से लगा देंगे। और फिर ये पानी हमने लगा दिया, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए, ये हमने फोल्ड करके ले लिया है। ये काफ़ी जल्दी अच्छी से बन गई है। और फिर दूसरे मैं भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से ये भी बन रही है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और देखने में कितना सुंदर लगता है वो तो आप देख ही सकते हैं। देखने के साथ ही मन करता है कि और बनाए। बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दूसरे मैंने एक तो बना लिया है, दूसरे भी मैंने इस तरीके से बड़ा सा रोटी बना लिया है कट लगा के, और फिर मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो काफ़ी मज़ा आता है बनाना। आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, बनके इतना तैयार हो गया है। सारे को हम बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया है सारे। इधर हमने ऑयल चढ़ा दिया है, ये भी अच्छे से गर्म हो चुका है। और ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे और डाल देंगे। और एकदम मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे, तो अंदर से भी ये क्रिस्पी बनेगी। एकदम झटपट जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी करने से क्या होगा कि बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट ही रहेगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा देखने में तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसकी डिज़ाइन लग रही है। तो ये देखिए, ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सारे को हम इस तरीके से ही फ्राई करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना आसान है और डिज़ाइन कितनी अच्छी है। आप इसे बना के रख सकते हैं, गेस्ट को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए, ये हमारी नमकीन बन के रेडी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।